Now we can see my sabji is ready. Oh god, it looks awesome. Okay, so now let me show you the rice. So I have this jeera rice. Look at this. इसको मैंने इंडक्शन पे बनाया है क्योंकि इंडक्शन पे काफ़ी सही रहता है. एंड स्विच को कर देते हैं. दैट्स इट. एंड अभी मैं बनाने वाली हूँ रोटी. टिल लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, so now you can see the messiness. Oh my god. अभी मुझे इसको सेट करना है. Oh my god. और उसके अलावा let me show you. Look at this. And look at this. ये सारा अभी मुझे निकालना है. पहले ये निकाल कर सारा मैं बेड पर रखती हूँ एंड देन आप उसका शेयर करती हूँ. ओके, सो फाइनली मैंने ये क्लीन कर लिया है. यू कैन सी ये दोनों ड्रॉवर यू नो क्लीन हो गए हैं. अब मुझे इसको सेट करना है. मतलब आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, बट ये सारे आप देख सकते हो बिंदी है, फिर कहाँ पर भी कुछ भी रखा हुआ. यू कैन सी इतने सारे मेरे पास तो कप्स हैं. कोई नहीं, यू कैन सी मतलब ये जो छोटे छोटे चीज़ें दिख रहे हैं ना, इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे इयर रिंग्स हैं. मतलब ये सारा सेट में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है. सो लेट्स डू फटाफट से. अब मुझे ना यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करके देन फास्ट फॉरवर्ड में करना पड़ेगा, तब जाके मैं शूट कर पाऊँगी. अदरवाइज ऐसा करते करते तो मुझे लगता है मुझे पार्ट टू पार्ट थ्री बनाने पड़ेंगे. सो लेट गेट स्टार्टेड फटाफट से. मिल ही नहीं रहा. ओके, सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर एक मेरे पास स्टोरेज पाउच है जो मेरे वेडिंग के टाइम पर मैंने परचेस किया था. और इसमें फोर सेक्शन है विथ जिप, जो अमेजिंग क्वालिटी है एंड मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं ऐसे स्टोरेज जिसमें हम अपने नेकलेसेस को अच्छे से ना स्टोर करके रख सकते हैं. तो यू कैन सी कि जो मेरे हैवी वाले नेकलेसेस हैं ना, जिसके साथ डिब्बे नहीं आए थे, बॉक्स नहीं आए थे, वो वाली जो ज्वेलरी होती ना, वो सारी मैं इसके अंदर इंक्लूड करी. और आपने देखा होगा कि एक मांग टीका मैंने साइड में रखा क्योंकि वो इसके साथ नहीं था, क्योंकि इसके साथ का जो मांग टीका है ना, वो मेरी जो लिटल सिस्टर है वो अभी उसके साथ लेकर गई क्योंकि उसको कहीं पर कुछ वेयर करना है, इसलिए कुछ फंक्शन में. एंड नेक्स्ट यू कैन सी कि ये जो फोर सेक्शन है, फोरों सेक्शन में मैंने मेरे नेकलेस ही रखे हैं. मतलब जो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि बॉक्स के अलावा, मतलब बॉक्स नहीं थे जिसके वही. एंड यहाँ पर कुछ यू नो वेस्ट बेल्ट है जो हम साड़ी के साथ देन लहंगे के साथ जो भी यू नो
पेयर अप का तो यू कैन सी टोटल मेरे पास 4 है, बट आई डोंट नो, जब मुझे वेडिंग में कुछ रेडी होना होता है तब मुझे मिलते ही नहीं है, बट अभी मैं फ़िलहाल तो अच्छे से स्टोर करके रख रही हूँ ताकि काम आ जाए। और यू कैन सी यहाँ पर सारी पिन वो सब है वो मैंने यहाँ पे रखा है। देन कुछ मेरे पास बॉबी पिन्स थी जो मतलब ऐसे नहीं मिलती है, मतलब जब हेयर स्टाइल क्रिएट करनी होती है तब इतना ढूंढो, मतलब एक वहाँ पे कहीं पर भी ऐसी बिखरी हुई पड़ी हुई होती है, तो सब मैंने यहाँ पे स्टोर करके रख दिया। और यू कैन सी जो मेरे मेकअप के साथ साथ मैंने ये ज्वेलरी भी आपको लक्ष्य शेयर करी थी, सो ये जो बॉक्स वाले हैं वो भी मैं साइड में अभी रख रही हूँ। एंड यहाँ पर जो मेरे हेयर स्टाइल के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं, जैसे कि स्क्रंचीज हो गए, देन यहाँ पे डोनट है, ठीक है, एंड देन हेयर बैंड है, मतलब हेयर पिन है, क्लचेस है, वो सारी चीज़ें जितनी भी ना सारी मैंने ढूंढ ढूंढ कर छोटी मोटी जितनी भी है ना सारी मैं एक बॉक्स के अंदर रख रही हूँ। ये ना आई थिंक इसके अंदर कुछ आया था, आई डोंट नो क्या आया था, बट ये बॉक्स मेरे पास पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से, सो अभी मैंने यूज़ कर लिया। ये भी हेयर एसेसरीज ही है, इसके रिलेटेड वीडियो आई थिंक मैं शूट कर चुकी हूँ बट मैंने आप लोग से शेयर नहीं किया, सो वो भी बहुत ही जल्द मेरे चैनल पर आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड जितने भी फ्लावर्स वो सब है ना जो हेयर स्टाइल के लिए हम रखते हैं वो सारा मैंने इसके अंदर रखा है। एंड यहाँ पर ये जो गोवा से मैंने नेकलेस परचेस किया था स्टोन वाला वो भी मैं इसके अंदर रख रही हूँ। एंड यहाँ पर भी बैंगल के लिए आपको स्टोरेज मिल जाता है, यू कैन सी। सो इसके अंदर मैंने कुछ जो बैंगल्स थी ना जो साइड में पड़ी हुई थी वो सब रखी है। एंड एक यहाँ पर एक और एक स्टोरेज बॉक्स है, यू कैन सी, ये टोटल ऐसे सेट ऑफ 3 आते हैं, ट्रांसपेरेंट वाले हैं, गोल्डन शेड में है। इसके अंदर मैंने जो मेरी हैवी वाली जो ब्रास होती है, पैडेड ब्रा होती है, बट जो मेरे कप्स है वो सारे मैंने इसके अंदर रखे हैं। एंड ये नेक्स्ट है उसके अंदर सॉक्स है, बट इसके अंदर भी आप देख ही सकते हो रबर बैंड भी निकल रहा है इसके अंदर से। एंड ये ना मैंने बहुत टाइम पहले परचेस किया था बट आई डोंट नो वाई मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया। ये जो एम कैफिन के जो मिनी पैक्स है ना वो मैंने एक बार ट्राई किया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट नेक्स्ट टाइम जब मैंने उसको यू नो अप्लाई करने के लिए फाइंड किया तो मुझे मिल ही नहीं रहा था, फाइनली मिल गया, तो अभी मैंने उसको साइड में रखा है। और उसको मैं जहाँ पे मेरा स्किन केयर रखते हैं ना वहीं पर मैं बाहर ही रखने वाली हूँ। एंड आप देख सकते हो ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस है ना उसके अंदर भी खजाना निकलने वाला है, आप देख सकते हो, मतलब छोटी छोटी चीज़ें निकल रही है जो मतलब जब चाहिए होती तब मिलती नहीं, वैसी वैसी चीज़ें इसके अंदर से निकल रही। ओह माय गॉड, मतलब आई वाज शॉक कि मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं फिर भी मैं फालतू में इनको खर्चा करती रहती हूँ और मुझे लगता है मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं अभी सोच रही थी कि क्रिसमस आने वाला है तो क्रिसमस के लिए कुछ यू नो गेट रेडी विथ मी एंड डेकोरेटिव ऐसा कुछ वीडियो बनाते, बट फिर मैंने सोचा कि मेरे पास तो रेड आउटफिट ही नहीं है। बट जब मैंने कपबोर्ड में पूरा सेट करी थी ना तब मुझे पता चला कि मेरे पास वन पीस है, टी शर्ट्स है, मतलब 2 टी-शर्ट तो ऐसे हैं ना जो मैंने अभी तक वेयर ही नहीं किए, मतलब वो टैग के साथ एज इट इज़ है, कैन यू इमेजिन। मतलब मैं सोच रही थी कि मैं मेरे हस्बैंड को बोलूँगी मुझे गिफ्ट करो यार रेड टी-शर्ट ऐसा कुछ ताकि मैं कुछ वीडियो शूट कर पाऊँ, बट अभी रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे पास जंप शूट भी है, मैक्सी ड्रेस है, देन यू कैन से ड्रेस है, यस मिनी ड्रेस है, देन एक टी शर्ट है, एक रेगुलर वाली टी शर्ट, बहुत कुछ है, मतलब आई वॉज लाइक ये सब है मेरे पास, ओ माई गॉड। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ ना जो गोल्डन वाली ज्वेलरी है उसको अलग बॉक्स में रख रही हूँ, जो ऑक्सीडाइज है उसको अलग रख रही हूँ ताकि फाइंड करने में ईजी रहेगा, एंड जब भी कोई वीडियो शूट करना होता है तो मैं ईजिली उसको फाइंड कर सकती हूँ कि इसके अंदर मैंने ये रखा था, जैसे बॉक्स मतलब उसका डिब्बा कवर हटाएंगे तो पता चल जाएगा कि इसके अंदर मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट रखी। एंड यस गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा था, प्लीज़ इग्नोर इट, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नॉइज़ आते रहते हैं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। एंड यहाँ पर एक बड़ा सा मेरे पास स्टोरेज बॉक्स था, उसके अंदर आप देख सकते हो पैसे भी मिल रहे हैं, ओह माय गॉड। एंड यहाँ पर जो छोटी मोटी चीज़ें थी ना जैसे कि रेजर है, फिर मेरे हस्बैंड के एंकल लेंथ के सॉक्स हैं न्यू वाले, वो अभी तक उन्होंने वेयर नहीं किए तो वो यहाँ पे रखे, फिर रेगुलर वाली जो मेरी पैडेड ब्रा है उसको भी मैं इसके अंदर ही रख रही हूँ ताकि ईजिली कभी भी मैं जब फाइंड करूँ तो मुझे मिल जाए। एंड यू कैन सी कि मैंने एक सेक्शन ओपन कर लिया है, मतलब उस साइड भी स्लाइड के दोनों साइड, मतलब 2 सेक्शन है, इस साइड का मैं अभी क्लीन करूँ क्योंकि वो वाला है वो रेगुलर वाला है तो वो तो मैं रेगुलर से क्लीन करती रहती हूँ, वो ऑलरेडी मेरा क्लीन है, बट इस साइड का मुझे क्लीन करना था। तो यू कैन सी जो मेरा बैंगल स्टोरेज बॉक्स था, देन मैंने जो ज्वेलरी वाला ईयरिंग्स वाला जो सेट किया था, फिर मेरा हेयर एसेसरीज है वो सारा मैंने यहाँ पर ही रखा है, फिर कॉम का जो सेट थे 2 लेवेंडर वाले एंड स्काई ब्लू वाले वो भी मैंने इसके अंदर ही रखे हैं। देन मेरे जो नेकलेसेस है उसको मैं अलग से स्टोर करके रख रही हूँ, साइड का जो भी
कपबोर्ड का जो सेक्शन है वहीं पर रख रही हूँ। एंड ये जो मेरा एंगेजमेंट वाला है ना, उसको मैंने ऊपर ऐसे रखा है ताकि मुझे जब भी मैं ओपन करूँ तो मुझे पुरानी याद आए कि हाँ एंगेजमेंट टाइम की ये मेरी नेकलेस सेट है। एंड देन जो हैंड बैग्स है ना, वो यहाँ पर आपको टांगने के लिए ऐसी एक पाइप मिल जाती, तो उसके अंदर ही मैं सारा स्टोर करके रखने वाली हूँ। एंड इसके अलावा और भी मेरे पास हैंड बैग है, बट वो अभी उसके अंदर भी कुछ ना कुछ रखा हुआ है, वो मेरे रेगुलर वाले हैं, तो उसको भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दूँगी। जब भी इंक्लूड करूँगी तो डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल रहे थे इम्पोर्टेंट, वो सब उसको भी मैं अच्छे से स्टोर करके, यू कैन सी यहाँ पे मेरे एंगेजमेंट का एल्बम है, एंड इसके अंदर मेरा मैरिज सर्टिफिकेट वो सब है। एंड इसके अलावा मेरा वेडिंग एल्बम, मतलब जो बिग साइज़ का वो सब होता है ना, वो सब मेरे इन लॉज के घर पे रखा हुआ है, क्योंकि अब तो हम यहाँ पे अहमदाबाद में रहते हैं बट वो गांव पे रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे सारे गेस्ट आते जाते रहते हैं, तो उन कहीं ना कहीं किसी न किसी को देखना होता है तो वहीं पर ही रखा है। एंड पेन ड्राइव वो सब भी वहीं पर ही है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने लैपटॉप में ऐसे स्टोर करके रखा हुआ है, तो पेन ड्राइव वहीं पर ही रखी। एंड फिर ये जो हमारा पिलो कवर है उसको भी मैं यहाँ इसके सॉरी ये पिलो को भी मैं यहाँ रख रही हूँ, पिलो कवर नहीं। सो दैट्स इट, जो भी है आप यहीं पर आगे वीडियो में देख ही ओके सकते सो हो। फाइनली ऑल सेट नाउ, सो लेट मी शो यू 1 2 3 सो यू कैन सी ऑल सेट नाउ। क्योंकि पहले मैं क्या करती थी कि मैं जितनी भी वेडिंग सारे थे वो सारे मैं यहाँ पे इस पोर्शन में रखती थी, बट वो मैंने सारी निकाल के इसके अंदर रख दी है, बेड के नीचे सेट कर दिया, तो अब भी बहुत ही ज्यादा एम्प्टी सा लग रहा है। बट मैं सोच रही हूँ कि जो मेकअप मैंने ड्रेसिंग टेबल के अंदर रखा था ना, मतलब जो मैं रेगुलर यूज नहीं करती, वो शायद मैं इस पोर्शन पर, ये जो ऊपर वाला है ना, यहाँ पर मैं सेट करने का सोच रही हूँ। अदरवाइज इसके अलावा कि और भी मेरे हैंड बैग्स हैं जो उस साइड के, जो स्लाइडर के उस साइड भी रखे हुए, सो वो भी मुझे अभी चेक करने, क्योंकि उसमें थोड़े से हो सकते हैं, तो मैं अलग से करूँगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा अब समझ सकते हो कैसा सामान होगा। सो वो सारा मैं अपने करके यहाँ पर सेट कर लूंगी एंड फाइनल लुक आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करूंगी अगर मैं अभी करती हूँ तो। बट अभी आई एम फीलिंग सो टायर्ड, सो लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन बॉक्स कि आपको मेरे। ओके सो अभी लाइट ऑन हो रही है लाइट। सो अभी ना फिलहाल मैं बाहर चली गई थी, जो मैं अभी क्लिप यहाँ पे ऐड कर दूंगी। सो मैं लेने गई थी फ्लावर्स, मतलब प्लांट्स चाहिए थे बहुत दिनों से, तो अभी मेरे यू नो पापा और मेरी बहन आई थी छोटी वाली, सो उनके साथ जाकर मैं प्लांट्स लेकर आई हूँ। एंड यू कैन सी दिस इज द फाइनल लुक एंड सेटअप, यू कैन सी, और यू कैन सी मी है ना, मिनिमल सा लग रहा है, बट यहाँ पर भी मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ पर भी कुछ डेकोरेट करूंगी एंड शायद मैं यहाँ पर ऐसे वीडियो भी बना सकती हूँ ना बैकग्राउंड रखकर, कैन सी मतलब खड़े खड़े कभी कुछ शूट करना हो तो कर सकती हूँ। एंड देन यू कैन सी ये वाला भी मैंने सेट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले ना साड़ी अरेंज करके रखती थी, बट वो सारा मैंने अभी बेड के नीचे रख दिया ना, स्पेस होती है वहाँ पर, सो इसलिए पूरा सा यू कैन सी एम्प्टी जैसा लग रहा है। बट यू कैन सी ये जो थ्री सेक्शन है वो सारे हमारे क्लोथिंग आइटम्स हैं, प्लस यहाँ पर भी सिर्फ ये एक डायरी है यू कैन सी, क्योंकि इसमें मैं सारा अपना लिखती हूँ तो अब क्या शूट करना है। यहाँ से फ्लावर गिरा तो मुझे डर लग गया। एंड देन यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि हमारे मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रखे हुए, अदरवाइज यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। दैट्स इट, लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन बॉक्स कि आज का आपको ये व्लॉग काइंड ऑफ वीडियो कैसा लगा है, मेरा जो सेटअप मैंने किया है वो कैसा लगा है। अगर मेरे ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। एंड लेट मी नो माय कमेंट सेक्शन बॉक्स की और आप नेक्स्ट वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं। अगर आप मेरा सारी कलेक्शन देखना चाहते हो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। एंड मैं मेरे बेड के नीचे क्या अरेंज करके रखा है, कैसे सेटअप करके रखा है वो देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। हाँ वो मैंने अच्छे से सेट किया हुआ है, बट अगर आप चाहोगे तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। आई नो कि थोड़ी मेहनत लगेगी फिर से उसको निकालना और फिर वापस से मैं आपके लिए आप लोगों के लिए सेट करूंगी, बट कोई नहीं। सो यू कैन सी, सो सी माई नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, बाय।